नोना की रसोई हरा चना है, छोलिया सर्दी में ही आता है इसलिए इसकी डिश सर्दी में ही बनाई जाती है और मैं बनाने जा रही हूँ मसालेदार छोलिया। कुछ अलग तरीके से मैं इसमें लगाने वाली हूँ दही का छोंक। आप इसे राइस के साथ खाए या चपाती या पराठे के साथ खाए, बहुत ही टेस्टी लगती है छोलिया की सब्जी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं छोलिया की सब्जी। छोलिया की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले छोले को उबाल लेते हैं। एक कप छोलिया ले लिया है और उनमें डाल लेंगे एक कप पानी और ऐड कर लेंगे नमक स्वादानुसार। नमक डालने के बाद कुकर को बंद कर देंगे और चार सीटी लगा लेनी है। चार सीटी लगाने के बाद कुकर ओपन कर लेते हैं और देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब ले लेते हैं एक फ्राई पैन और इसमें हमने 5 बड़ी चम्मच घी डाल लिया है, 1/2 छोटी चम्मच हींग और 1 चम्मच जीरा छोटे वाली। इनको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें 3 मीडियम साइज की प्याज डाल रही हैं चॉप कर और इनको हम जब तक ये गुलाबी नहीं हो जाती तब तक इनको भूनना है लगातार चलाते हुए और ऐसे गुलाबी होने तक ऐसे ही फ्राई कर लेना है चलाते हुए। 4 हरी मिर्च ऐड कर लिए, 1 बड़ी चम्मच अदरक का पेस्ट डाल रही हैं और 1 बड़ी चम्मच डाल लेंगे लहसुन का पेस्ट क्योंकि छोले में मसाले थोड़ा अच्छे से डाले जाते हैं इसलिए हम लहसुन और अदरक इसमें ज़्यादा डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। अब इसमें ऐड कर लेते हैं हम 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और डाल लेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा। अब इसमें लगाएंगे हम दही का छोंक। 1 कप छोलिया में यहाँ 1/2 कप दही ले रहे हैं और दही में डाल लेंगे 1 छोटी चम्मच बेसन। इसको अच्छे से फैट लेना है, लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से ऐसे फैट लेना है ये देखिए। अब इसमें ऐड करके इसको लगातार चलाते रहना है। दही का लगा दिया हमने छोंक, अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक इसको लगातार चलाते रहना है। इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर बना रहे हैं और अब इसमें ऐड कर लेंगे छोलिया उबले हुए और जो उबले हुए छोलिया से हमने पानी छान कर अलग कर लिया था वो भी इसमें डाल लेते हैं और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार क्योंकि हम छोलिया उबालने में पहले भी नमक डाल चुके हैं और 1 छोटी चम्मच डाल लेंगे गरम मसाला और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको हम कवर कर देते हैं, लगा देते हैं इसके ऊपर ढक्कन और इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। ओवर कुक नहीं करना है, बस इतना ही पकाना है और ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए घी कितना अच्छे से ऊपर आ चुका है, ये हमारी सब्जी बन चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। इसमें 1/2 छोटी चम्मच ऐड की है हमने कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। और इसके डालने के बाद 30 सेकंड और हमने पका लिया है और ये देखिए रेडी है। अब फ्लेम कर देते हैं ऑफ और गार्निश कर लेते हैं हरे धनिया से और इसको मिक्स करने के बाद डाल लेंगे हम इसको सर्विंग बाउल में। रेडी है हमारी दही का छोंक लगा के छोलिया की सब्जी, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। आप इसको पराठे के साथ, राइस के साथ या फुलके के साथ किसी भी चीज़ के साथ ट्राई करें, बहुत ही यम्मी लगती है। इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें, अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो जुड़ जाएं हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें।